सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत दोस्तों। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सेव शारदा कमेटी के संस्थापक प्रमुख रविंद्र पंडिता जी, जो कि पिछले 17 साल से शारदा पीठ को लेके एक मुहिम छेड़े हुए हैं। भारत से लेके पाकिस्तान तक इनको सब लोग जानते हैं, इनके कॉज के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। रविंद्र जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि आप पिछले 17 साल से इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे आपको भी एक रास्ता दिया जाए शारदा पीठ तक। 7 साल से तो मैं आपको जानता हूं और आपसे दोस्ती है और आपकी मुहिम को तब से फॉलो कर रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए। तो थोड़ा सा तो आप अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सेव शारदा कमेटी, पहले तो उसके बारे में बताएं साहब। देखिए, ये पूरा नाम है अपनी कमेटी का, एक रजिस्टर्ड कमेटी है, सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड। इसकी रजिस्ट्रेशन हमने 2018 में करी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड बॉडी है। इसका मकसद यही था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हम जो है खतो किताबत करें पाकिस्तान से, पीओके गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हो सकता है हमने जैसे यूएन से भी संपर्क दागा है, उनसे भी खतो किताबत करी है, तो रजिस्टर्ड कमेटी का होना बहुत जरूरी था। इसमें हम 5 बानी मेंबर्स हैं। इससे पहले जो हम स्ट्रगल कर रहे थे वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कर रहे थे और उनका भी काफी नुमाया रोल है, और अब ये कमेटी आई है तो हमारा विशेष मकसद, इसका जो स्लोगन है 1 चार्टर है, दैट इज क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, दैट शुड बिगिन व्हेन वी मीन क्रॉस। क्रॉस का मतलब है दो तरफा, हम भी उधर जाएं अपने मजहबी मकामात पे और वो लोग भी इधर आ जाएं अपने मजहबी मकामात पे। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कश्मीरी कश्मीरी जाएं, नहीं, प्रॉपर वर्ड शुड बी रियासती। रियासती से मेरी मुराद है अरस्टोइल जेएंडके महाराजा का वो स्टेट जो गिलगिट बल्टिस्तान दर्दिस्तान अक्साई चिन तिब्बता जम्मू कश्मीर लद्दाख सारा है। केवल कश्मीरियों का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला है। जी जी हमें ये बताएं, शारदा पीठ जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए इतना महत्वपूर्ण पूजा का स्थान कैसे है, थोड़ा उसके इतिहास के बारे में हमारे लोगों को जानकारी दें। ये है कि शारदा पीठ केवल कश्मीरियों के लिए ही इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे सनातन हिंदू के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारी महाशक्ति पीठ है जहां सती का दायनानाथ गिरा था, ऋषि शांडल्या के दर्शन हुए थे। हमारे महात्म्यम के हिसाब से यहाँ मैना जो है चोंच में एक छोटे से गड्ढे में सागर मंथन का अमृत ले आई थी, उसके 2 कतरे हमारे कश्मीर में अभी कलूसा और गगलूसा में गिरे थे, बाद में इस पिक्चर को वहां पे दबाया गया जिसके ऊपर शारदा यंत्र का एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था। ये तो हुआ महात्म्यम की बात। मेरी रिसर्च 18 साल की 20 साल की इस जदोजहद में, माय सिंपल पॉइंट वन लाइनर इज दैट शारदा पीठ इज द मेक्का ऑफ ऑल सनातनीज। आज मेरा नाम रविंद्र अगर है, या हमारे प्रधानमंत्री को भी हमने एक बार बोला कि आप नरेंद्र है, ये इसलिए है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी यहाँ पीठ पे गए, उनका नाम वी शंकरा था, केरला कलाड़ी से जाते हैं, कश्मीर में आपको पता है यहीं पे पढ़ने लिखने के लिए जाते थे, हिंदू वैदिक नॉलेज गेन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए पूरे बड़े सगीर से, और यहाँ पे सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारी थी ये शारदा यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षला से भी प्राचीन, और यहाँ का संगम मधुमती किशन गंगा और सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण, और ये एक तहजीब है, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है। तो आदि शंकराचार्य ने यहाँ डिबेट्स करके दक्षिणी द्वार खोल के जो बौद्ध मत बुद्धिज्म हमारे कश्मीरा में 273 BC सम्राट अशोक से लेके 753 AD सम्राट ललितादित्य तक था, तो हम आज बुद्धिस्ट होते अगर आदि शंकराचार्य वहां नहीं जाते, अगर डिबेट्स नहीं जीतते, हिंदुइज्म को पुनर्जन्म अगर दिया है, हिंदुइज्म इज रिबॉर्न बिकॉज ऑफ दिस शारदा पीठ वेयर शंकरा आई बिलीव गॉट आचार्य डिग्री ऑल्सो, बिकॉज वी यूज टू गेट डिग्रीज फ्रॉम हियर दिस यूनिवर्सिटी,
एंड द वर्ड फाइनली गो शंकरा आचार्य, दैट्स माय व्यू, पीपल में डिफर बट माय रिसर्च इज क्लियर ऑन दिस। जी तो आप ये चाहते हैं कि अर्स्टवाइल स्टेट के जो लोग हैं उन्हें मौका दिया जाए हमारे यहाँ से लोग लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके शारदा पीठ मंदिर की यात्रा कर सकें, वहां से कोई मुसलमान हजरत बल की या दूसरी जो जियारतें हैं उन पे जाना चाहें तो वो आ सकें। आपने हमें ये भी बताया कि शारदा पीठ का जो महत्व है वो पूरे सनातन हिंदू धर्म के लिए है, तो फिर क्या आपका जो मुतालबा है वो ये भी होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष से अगर लोग वहां पे जाना चाहें यात्रा करने के लिए तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाए? देखिए, हिस्ट्री को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तारीख बदलती रहती है। अब 1948 में या उससे पहले 50-60 साल जो महाराजाओं की यहाँ पे हुकूमत थी, विशेष तौर खुसूसी महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह, उसके दौरान ये यात्रा उनके कार्यकाल में बहुत तूल पकड़ी और लास्ट पे कश्मीरी पंडित जेएंडके के हिंदू ही इसको संभालते थे, कोई दक्षिणी भारत से या कहीं और से नहीं आ रहा था इसको संभालने। मेरे गुरु स्वामी नंदलाल जी आखिरी 1948 तक विभाजन के बाद भी डटे रहे, वहां काफी मुश्किलात का सामना पड़ा। 1948 दिसंबर में उनको अपने यहाँ हमारे यहाँ कुपवाड़ा में आना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के हिंदुओं का, विशेष तौर पे कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी है, हमारा विशेष लगाव था यात्रा के साथ। तो अब हम तुरंत में जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं तो कश्मीरी पंडितों की ही 23 फैमिलियां वहां पे थी, हमारी 73 कनाल जमीन वहां शारदा की थी। जो भी वहां पे डेवलपमेंट्स या एनक्रोचमेंट्स ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज हैपेंड एट एवरीवेयर। तो हम लोग जैसे वहां से सारे भागे 1947 में कबायली हमला जो पाक प्रॉक्सी वार था, उसी ने ये सारी तबाही मचाई है जो आज की डेट में आप एलओसी क्रिएशन देख रहे हैं। दिस गोज बैक टू द ब्लैकेस्ट डे 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तान हमला करता है हमारे यहाँ, कबायली भेज के अपने रेगुलर्स भेज के सिविल ड्रेसेस में, तो तब से ये मसला जो है पैदा हुआ है। और हमारी वहां पे एक नहीं 37 माइनॉरिटी श्राइन है 10 जिला जो पीओके में है, जिसको हम पीओजे के आप प्रॉपर वर्ड शुरू पीओजे के जम्मू का संभाग का बहुत हिस्सा वहां ऑक्यूपाइड है। तो हमारी 37 माइनॉरिटी श्राइन है और प्रमुख था जैसे मैंने बताया इस्लाम धर्म वालों के लिए जैसे मक्का है, ऐसे ही सनातन धर्म वालों के लिए ये मक्का है शारदा पीठ। दिस द एपिसेंटर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, जो हम इस देवी को भी मानते हैं, शी इज गॉडेस ऑफ, शी इज अनदर फॉर्म ऑफ सरस्वती, शी इज गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो हम सब कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर रियासतियों को फख्र होना चाहिए, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, अलम का मरकज, ये सब हमारे पास धरोहर थी जो आज एक खंडर में तब्दील हुई है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा मैंने पहले बताया तकरीबन 7 साल से मैं आपको आपके इस मकसद में जद्दोजहद करते हुए देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। हाल ही में आपने शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया टीटवाल के अंदर, ये कुपवाड़ा सेक्टर में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में आपने यात्रा भी निकाली, आपके यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बराबर मिलती रहीं। तो थोड़ा बहुत हमारे लोगों को बताएं ये जो मंदिर बना है टीटवाल में, इसमें ये जमीन किसकी थी और वहाँ की जो मकामी मुसलमान आबादी है उनका क्या योगदान था इस मंदिर को बनाने में? देखिए थोड़ा सा तारीख में जाएं, हिस्ट्री में जरा सा और आधा मिनट लगेगा। हमारे 1947 से पहले जब यात्रा हुआ करती थी, हमारा वार्षिक जो सालाना एनुअल डे था वो बादो महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ करता था। अब इस साल जैसे एज पर इंग्लिश ग्रिगोरियन कैलेंडर इट विल बी 23rd of September, तो उससे उसके बावजूद भी यात्राएं चलती रहती थी। हमारे पुजारी वहां पे थे कश्मीरी पंडित थी जिनको महाराजा ने 11 रुपए सैलरी पे रखा था ब्रॉन्ज प्लेक लेके, उनका प्रकाश स्वामी भट्ट नाम था, बातरगाम कुपवाड़ा के थे। कहने का मतलब है हमारा जाने के 4 रास्ते थे कि शॉर्टेस्ट अभी भी जो है वो कुपवाड़ा, ये सारा नॉर्थ कश्मीर के रूट है। हमारा फर्स्ट रूट था लिदरवन जुमागढ़ एंड अक्रॉस दुधनियार, तो दैट इज ओनली 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर का फासला है जी शारदा पीठ तक। दूसरा हमारा केरन का है, केरन के रास्ते से 20 किलोमीटर है।
तीसरा हमारा टीटवाल है और चौथा हमारा गुरेज बांडीपुरा में तारबल। अब हम टीटवाल की जब आपने बात करी विशेष तौर पे, मैं पिछले 5 साल से ये चारों रूट्स एक्सप्लोर कर रहा हूं एलओसी के ऊपर, जो एक बड़ा विशेष एक बहुत हैवी कार्य है, क्योंकि इतने 75 साल के बाद किसी को मालूम भी नहीं है एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से रूट से क्या। तो हमने सोचा हमें तो शारदा पीठ जाने नहीं दिया जा रहा है, इंडियंस को पाकिस्तान डिसअलो कर रहा है, तो हम कम से कम अपने ट्रेडिशनल रूट्स एक्सप्लोर करें। इसमें हम लिदरवन जुमागढ़ की तरफ गए, कोई रास्ता आगे नहीं मिला, वापिस आए, केरन गए, केरन में पूजा करी 2020 में 26 अगस्त को, फिर हम टीटवाल गए 2021 में। तो यहाँ विशेष तौर पे बड़ा स्वागत हुआ सिविल सोसाइटी का, फिर ऑल मुस्लिम्स एंड 1 or 2 Sikhs। तो उसमें आर्मी कैंप में हमको लिया गया, जबकि मैं बहुत अवॉइड करता हूं, मैं एक सिविल पर्सन हूं, मैं नहीं जाता हूं ना ज्यादा पुलिस के पीछे ना आर्मी के पीछे, वो अपना अपना काम सबका है, सिविल सोसाइटी का अपना काम है। पर वहां पे बीइंग ए मिलिट्राइज जोन यू हैव टू मेक एन एंट्री ओनली थ्रू आर्मी चेक पोस्ट, इट्स नॉट ए कॉमन थोरोफेयर। तो हमको वहां पे भव्य स्वागत किया गया और हमको वहीं पे कैंप में बताया गया इवन बाय आर्मी कमांडर ऑल्सो दैट आपकी जमीन यहाँ जो टीटवाल में इन्होंने सुरक्षित रखी है, प्रिजर्व करके रखी है, वहां नारियल फोड़िए और ये करिए। हमने कहा हम महाराज एनुअल यात्रा पे यहाँ आए किशन गंगा में नहाने के लिए एलओसी के ऊपर, तो जमीन तो हमें पता नहीं, ना तो हमारे बाप को ना दादा को पता, किसी को मालूम ही नहीं है टीटवाल में जमीन। बट टीटवाल इज द ऑफिशियल रूट आउट ऑफ दीज फोर, जैसे अमरनाथ यात्रा का पहलगाम की तरफ से ऑफिशियल रूट है, उसको हम कश्मीर में छड़ी मुबारक बोलते हैं। तो बाबा जी लोग एक छड़ी होली मेस कैरी अ होली मेस एंड लीड द यात्रा टू द पीठ, तो ये हमारा ऑफिशियल रूट था। यहाँ के मकामी लोगों ने इस जमीन को प्रिजर्व करा था, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकाले हैं इसके, अहले सिंगान यानी कि सिख लैंड इज 5 मरला, अहले हनूद हिंदू लैंड इज 18 मरला एंड देयर इज अनदर पीस ऑफ लैंड ऑफ 15 मरला। तो इसमें से कुल मिला के हमको अब डिमार्केशन के टाइम पे केवल 19 मरले दिखे, तो बिना झगड़ा डाले उन्हीं मुसलमानों ने जिन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। तो हमने फट से एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई, अगर हमने मंदिर फिर बनाना है यहाँ पे उसी तरह पे गुरुद्वारा भी बनाना है जो 1947 में यहाँ जलाया गया। दिस वॉज ए बिग चैलेंज, तो वी एक्सेप्टेड इट। तो हमने कोई नया कोई ये नहीं किया कि नया कोई जमीन खरीद के नया मंदिर बनाया, कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है हिंदुत्वा प्रोजेक्ट है मोदी गवर्नमेंट है, नो, आवर स्ट्रगल डेट्स बैक 2006, वी हैव द अर्लीस्ट लेटर रिटन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 10 अप्रैल 2006, जबकि कोई बीजेपी या कोई सरकार उनसे हमें मतलब नहीं थी, तब कौन सी सरकार थी क्या। हमने चैलेंज लिया कि उसी तरह पे गुरुद्वारा बनाया जाएगा, गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा विल बी डेडिकेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी एंड शारदा टेम्पल, अब वो धर्मशाला लकड़ की नहीं बनाएंगे, अब हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे। तो दिस टेम्पल इज अ शारदा यात्रा टेम्पल, दिस इज द बेस कैंप ऑफ गोइंग टू द मेन शारदा पीठ दैट लाइज इन पीओके इन डिस्ट्रिक्ट नीलम विलेज शारद। इट शुड बी वेरी क्लियर कौन ये यात्रा टेम्पल। 40 किलोमीटर का फासला बताया जाता है यहाँ से टीटवाल से शारदा पीठ का, नहीं टीटवाल से 56 किलोमीटर का फासला ये सबसे दूर है, पर टीटवाल में ये है कि हमारा एक ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट है, हमारी तरफ से टीटवाल है उनकी तरफ से चिल्हाना गांव है, तो बीच में एक लकड़ी का ब्रिज है जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, उस लकड़ी के ब्रिज पे जो किशन गंगा के ऊपर है उसको भी डिवाइड किया है। अफसोसजनक बात ये है कि एलओसी देखिए क्या ये वाकई, कई लोग कहते हैं खूनी लकीर, मैं खूनी लकीर नहीं कहता, मैं खाम खा की लकीर कहता। तो वाई वी आर डिवाइडेड, एक ब्रिज पे भी आप लाइन खींच के, 200 गज का पुल है उसमें सेंटर में एक व्हाइट लाइन है पेंट करके, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों भैया, क्या चिल्लाना मेरा गांव नहीं है, क्या वहां के लोग मेरे नहीं है, सब एक है सारा कश्मीर, वाई इट इज डिवाइडेड। और अगर आप डिवाइडेड है तो मौजूदा हालात ही देखें भाई, इंडिया इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑन अवर ओन जे एंड के, पाकिस्तान इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑन दोस 10 डिस्ट्रिक्ट, तो ठीक है करे, पर सिविल सोसाइटी एज ए सिविल सोसाइटी वी हैव टू राइज, वी हैव टू टेल देम वी हैव फ्री मूवमेंट एक्सेस,
चाहे कई लोगों को अभी यूएन रेजोल्यूशन भी दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है बड़े ऑब्सलीट है। 1948 का यूएन रेजोल्यूशन है जी, चैप्टर 6, फ्री मूवमेंट ऑफ रियासतीज ऑल अक्रॉस टू द होल जेएंडके स्टेट। बट वो होएगा कैसे अब जब हालात सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि मुझ जैसे समुदाय को ही 1990 में भगाया गया जिहाद के कारण। तो आप अगर एक एबोरिजिन को ही भगाते हो, वो पर फिर आ रहा है, फिर अपनी सकाफत ढूंढ रहा है, फिर अपनी हेरिटेज ढूंढ रहा है। सो दिस इज अ हेरिटेज साइट, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड मोर टू रिलीजन बट टू द कल्चर एंड हेरिटेज। बहुत थैंक यू जी, बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोग अपनी रूट्स की तलाश में वापस कश्मीर की तरफ जब रुख करते हैं। अच्छा ये बताएं रविंदर जी, मैंने देखा है आपको पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है जिसको हम कहते हैं, वहां की तरफ से भी लोग जो हैं एक आवाज होके ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी अच्छी मुहिम है, क्या पता इसी के अंदर हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई बेहतरी आ जाए, हम भी LOC को पार करके हिंदुस्तान की तरफ आ सकें, वो भी हमारे यहाँ से भी लोग वहां जा सकें। तो कैसा रिस्पांस मिला है आपको पर्सनली, आप तो बहुत लोगों को जानते हैं, हमारे अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं जी। देखिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हम 2005 की उस ट्रीटी पे जाए जो वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच में हुई फॉर डिवाइडेड फैमिलीज, क्योंकि ऐसा एक बदकिस्मत माहौल है LOC के ऊपर, मैंने खुद स्वयं देखा। मैं हिंदू होके पहले ह्यूमन हूं, मुझे भी दर्द होता है। डिवाइडेड फैमिलीज हैं जी, एक भाई उधर गया अकस्मात LOC के कारण। अब क्या वो जुआत रहे पंडित नेहरू के उस टाइम, क्या चीजें रही हैं, हमने उसमें नहीं जाना है। सरकमस्टेंसेस बने होंगे, नाउ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होएगा। हम डिवाइड हुए हैं बड़ी बुरी तरह से, हमारे वहां पे कई जगह पे तार भी नहीं है, हम तो इजिली वी कैन मूव हियर एंड देयर। तो एक कश्मीर को आपने 10 जिला इधर कर दिए, 10 जिला मैकेनिज्म बना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज कॉल्ड LOC ट्रेड एंड ट्रेवल। उसमें पहले ट्रेवल जोड़ा गया, 2007 से लागू है, उस पार के कश्मीरी या पूरे जेड के कहिए उस पार के लोग रियासती POK के इधर आते हैं इंडियन कश्मीर में, हम लोग जाते हैं POK पर। उसमें एक इन्होंने राइडर रखा क्योंकि ये बना डिवाइडेड फैमिली, उसमें कहते हैं वो अगर आपका रिश्तेदार हो तभी आप जा सकते। अब जैसे मैं हूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वहां एक भी हिंदू नहीं है 10 जिला में इस टाइम, पहले तो ये त्रास दिए, एक भी हिंदू नहीं, 37 माइनॉरिटी श्राइन्स है जिसमें 3 सिखों के गुरुद्वारे। अब नहीं है, अब मैं कहता हूं कि मेरी आस्था जुड़ी है, एक एनुअल पिलग्रिमेज जिसमें ऐड करिए, इसमें एक संशोधन लाइए, एक तरमीम करिए कि अगर हमारे लोग जाते हैं उधर, मेरा रिश्तेदार नहीं है तो ये एक LOC परमिट है जो मैंने भी अप्लाई किया है कई मरतबा, ये अपनी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की रिजेक्ट करती। अगर पाकिस्तान रिजेक्ट करे मुझे इतना अफसोस नहीं होता, पर अपनी सरकार ने रिकमेंड करके नहीं भेजा। बड़ी तफ्तीशें होती हैं जी, बहुत फाइलें जमा होती है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो एक एजेंसी क्लियर करती है, दूसरी ड्रॉप करती है। अब वजूहत यही है जो मुझे मेन दिख रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज। हमने बड़े धरने किए यहाँ, प्रोटेस्ट किए, बड़ी अवेयरनेस लाने की कोशिश करी है। 1948 से शारदा पीठ बंद है, विश्व में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई, अल-अक्सा मॉस्क भी एक दिन बंद नहीं हुई, चर्च टर्की का बंद नहीं हुआ एक दिन, तो शारदा पीठ क्यों बंद है 1948। अब हमने बड़े प्रोटेस्ट किए पर यहाँ का महदूद रहा इंडिया तक, तो हमने सोचा अगर उस पार से भी आवाज उठे जो लाइक माइंडेड है, जो शेयर्ड हेरिटेज है हमारी, साझा विरासत, तो उस तरफ से भी आवाज उठे, थोड़ा जोर पकड़ी, तो 2015 से ये जोर पकड़ा क्योंकि उधर से भी आवाज उठी। हमारे रईस मोहम्मद सबसे पहले वहां से खड़े हो गए, मैडम रुखसाना खान रिसर्चर खड़ी होगी, लोग जुड़ते गए जी, बड़ा कारवा बन गया। आज की डेट में 150 मेंबर आने हमारे सिविल सोसाइटी के उस पार, जो लाइक माइंडेड है, जो पहली मर्तबा आपके चैनल से मैं बताना चाह रहा हूं कि 74 साल बाद जब 14 सितंबर 2021 आप नोट करें, उस दिन हमारी वार्षिक यात्रा थी, पहली बार मैं टीटवाल गया हूँ जी, बहुत दूर है जी, हम श्रीनगर वासी कभी कुपवाड़ा के आगे नहीं गए थे, तो हम जब वहां गए उस पार से भी रईस और तनवीर ने लीड करके कम से कम 100 लोग आए थे हमको स्वागत करने विद व्हाइट फ्लैग्स एंड अदर फ्लैग्स एंड बैनर्स। तो फर्स्ट टाइम वी हैव शोड दैट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मोर स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान आर्मी बड़ी हैरान होगी, वो उनको नीचे पुल पे नहीं आने दे रहे, हमको अपनी आर्मी आने दे रही है पुल के सेंटर तक, वो व्हाइट लाइन जो मैंने बताया।
तो उन लोगों में नाराजगी हुई, उनने पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए उधर से। चलो थोड़ी सी बेवकूफी हुई क्योंकि सेंसिटिव इशू है और जज्बात होते हैं जी, मैं उनको भी वो नहीं कहता हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाए कि उनको नीचे नहीं आने दिया गया। फिर हमने 4 सितंबर 2022 को फिर एनुअल यात्रा थी पिछले साल, फिर लोग आए कॉमन बैनर से। हमारा बैनर क्या था, यहाँ से हमारा बैनर था क्रॉस, LOC, हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म शुड बिगिन। एक तरफ हजरत बल की तस्वीर, एक तरफ शारदा पीठ, उन्होंने भी एक तस्वीर लगाई वहां शारदा की, कश्मीरी हिंदुओं के मजहब तरीन मकाम शारदा पीठ को उसकी राहदारी खोली जाए उनके लिए। बड़ा अच्छा बैनर था। सो बोथ साइड्स वांट दैट कॉरिडोर शुड ओपन। यहां पे फिर मैं वाजे करूंगा, कोई पैसे नहीं लगाने ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने। ऐसे भी आप देखिए, अभी हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया, उन्होंने अगर आप उनका अच्छी तरह से एड्रेस देखे, लास्ट लाइन यू शुड प्लीज नोट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही सेज, मैं अभिनंदन करता हूं रविंद्र पंडिता की सिविल सोसाइटी को इस पार भी और उस पार के लोगों को भी, POK के लोगों को, इससे ज्यादा क्या चाहिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट्स आर रिकॉग्नाइजिंग द सिविल सोसाइटी। तो हमारा वहां टीटवाल से बड़ा इजी है क्रॉसिंग पॉइंट। तो दिस यात्रा ऑन बोथ साइड्स, मजहब जो है एक फंडामेंटल राइट है, यू कैन नॉट सप्रेस अवर फंडामेंटल राइट। वी हैव राइट टू पिलग्रिमेज टू शारदा पीठ, नॉट ओनली बिकॉज स्वामी नंदलाल जी वॉज दियर, आई बिलोंग दैट इन, नो, आई एम ए J&K रियासती, आई हैव ए फ्री मूवमेंट अंडर UN रेजोल्यूशंस, आई हैव ए फ्री मूवमेंट बिकॉज नाउ LOC ट्रेड एंड ट्रेवल जो है वो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रीटी है, तो उसमें मुझे भी क्यों नहीं जाने दिया जाएगा उसी बस में। हमारे पास दो रूट हैं जी, उड़ी मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद इज चेक इन पॉइंट, एंड जम्मू संभाग में हमारा है पुंछ टू रावलाकोट, चकंदाबाग इज द चेक इन पॉइंट, एंड थर्ड इज दिस TCP टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट। तो जाएं वहां से, ये बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होएगा, लेट पीपल ऑन बोथ साइड्स मीट इंटरेक्ट, जी, उसमें क्या दिक्कत है। पहले शुरू में जी हाँ मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अगर ये यात्रा शुरू होती है, हमारी तरफ से भी लोग वहां जाते हैं, वहां से भी कुछ लोग आते हैं, उसका क्या असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के, जो अब जो भी हमारा 75 साल से एक मसला चला आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने से हमारे हमारी हुकूमतों के दरमियान, लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनेगा? सर, आप देखें विश्व में भी, आप कई बार हमारे डिट्रैक्टर्स जो है ना, डिट्रैक्टर मैं इनको इसलिए बोलता हूँ, ये बात को समझते नहीं है उस पार इस पार। ये कश्मीरियों का मसला इसीलिए इतना लटका हुआ है। व्हाट हैपेंड टू द बर्लिन वॉल, व्हाट हैपेंड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, व्हाट हैज हैपेंड एट ऑल दीज प्लेसेस वेयर रियूनियन हैज बीन डन। हमारे यहाँ एक खोखा बना हुआ है, वो जी पाकिस्तान है, ओहो ये जी इंडिया है, ओ बड़े जलील जी, उन्होंने बड़ा सप्रेस किया जी आर्मी ने, हम भी कहते हैं हमको जी बड़ा सप्रेस कराया जी यहाँ पे आर्मी ने हमारे कश्मीर। अरे बाबा, आर्मी तो अपना रोल प्ले करे, पॉलिटिशियंस अपना करे, तो तुम क्या कर रहे हो वैसे। चलो तुम तो एक दूसरे को मिलने के लिए कुछ कदम उठाए ना, तो इससे क्या होएगा, फर्स्ट देयर विल बी इंटरेक्शन, आफ्टर 75 ईयर्स वी विल बी मीटिंग, विल कम टू नो अबाउट ईच अदर। ये सबसे बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हुआ जी इशू। सेकेंड, इकोनॉमी देखिए जी दोनों तरफ से, टीटवाल में मैं देख रहा हूं 2 साल में कैसे क्या हो गया जी, जियो टावर लग गया जी, साधना टनल बनने लगी जी, अफसरान लोग, जहां पटवारी नहीं जाता था इनके गांव में, सो नेग्लेक्टेड, वहां आज LG तक जा रहा है, होम मिनिस्टर बयान दे रहे। एक इकोनॉमी बढ़ती है, एक हमारा शारदा यूनिवर्सिटी का जो है LM में इजाफा होगा। ये जो पहाड़ी बेल्ट है LOC के ऊपर, ये पहाड़ी लैंग्वेज इज डिफरेंट, दे डोंट स्पीक कश्मीरी, दे आर मुसलमान बाय फेथ बट दे आर नॉट कश्मीरी। 35% ऑफ दिस बेल्ट इज J&K इज पहाड़ी स्पीकिंग, एंड पहाड़ी स्पीकिंग का डायलेक्ट और लैंग्वेज जो है नीचे फॉन्ट इज शारदा लिपि ऑन, तो दे आर प्राउड ऑफ दिस। इवन सम रिसर्चर्स इन उर्दू का भी, नास्तलिक से पहले तो शारदा लिपि था, गुरुमुखी डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ शारदा लिपि है। हमारा शारदा लिपि को लेके एक्सपो सिविलाइजेशन ऑन द लाइंस ऑफ माइमी सिविलाइजेशन ऑफ US,
ऐसे करना चाहिए क्या एक्सटेंट है। मैंने सैटेलाइट इमेजरी करवाई इसरो डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ऑफ द सॉइल, ही इज ऑलवेज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दिस डिस्पाइट बीइंग इन पीएमओ ऑफिस, इज मिनिस्टर इन पीएमओ ऑफिस, बट ही हैज बीन ऑलवेज वेरी कीन, क्योंकि एक रियासत का मसला है, उनको उठाना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं उनको भी कहना चाहिए, वो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मैं सिविल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। क्या उधर मैशत में इजाफा नहीं होगा? क्या वहां टूरिज्म नहीं बढ़ेगा जबरदस्त? क्या ये साइट जो टीटवाल का भी हमने छोटा सा मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, क्या ये इंटरनेशनल सेंटर नहीं बन सकता है कल को? इट विल बी रिसर्च सेंटर। अवर नेक्स्ट फेज इज दैट वी विल गेट इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम कंबोडिया, जो हमारा शारदा देश एक जमाने में कंबोडिया से लेके ईरान तक था। तो ये बुद्धिस्ट क्लेम कर रहे हैं, इट वॉज ए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली देयर क्लेम इज ऑल्सो राइट, आई डोंट डिनाई इट इज ए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है जी मैं मानता हूं, बट लेटर ऑन इट बिकेम एन हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बुद्धिस्ट भी इसमें बड़े इन्वॉल्व है शारदा पीठ के साथ। ऑल दीज रिसर्चर्स विल गैदर, ऑल दिस टूरिज्म विल गैदर। तो एक ही चीज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बातें होती है। अब हमारे यहाँ हमने प्रधानमंत्री से, एनएसए से, सब लेवल्स पे बात करी है जी, होम मिनिस्ट्री में भी लिख के दिया हमने, हमसे पूछा गया होम मिनिस्ट्री की फाइल में कि वो लोग कहाँ आएंगे अगर ट्रीटी है तो हमने चरारी शरीफ एंड हजरत वाल, वी हैव नॉमिनेटेड टू प्लेसेस। अब नाउ कम्स दी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग, यस ही इज ऑब्वियसली अप्रेहेंडिंग सिक्योरिटी इश्यूज, नेशन को भी देखना पड़ेगा ना जी। अब आपकी इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू होती रहेगी पीओके के बेल्ट से ही, तो लोगों को खड़ा होना चाहिए, भैया वो बंद करो ना, तभी तो ये सिविल के काम भी होंगे। अब उनके हाथ में नहीं है बंद करना। अब हमको बताया गया मीटिंग में कि वहां से जो जत्था आएगा उसमें 500 लोग आएंगे जत्थे में, उसमें पता लगा कि 400 लोग श्रीनगर में वो जैश ए मोहम्मद के थे, वो मिंगल हो जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि इतनी वेरिफिकेशन नहीं होती है रिलीजियस टूरिज्म। तो एड इमीडिएट रिप्लाई कि साहब ऐसे नहीं होएगा, अभी शुरू में 2 से 3 जायरीन, 2 और 3 पिलग्रिम्स फ्रॉम दिस साइड विल गो, 2 और 3 पिलग्रिम्स विल कम फ्रॉम दैट साइड, इट्स ए 6 आवर्स यात्रा। वो लोग उड़ी वाले रूट से आए, बस सर्विस ऑलरेडी है, नया कोई कॉरिडोर बनाना नहीं है, करतारपुर की तरह 500 करोड़ लगाने, ऑलरेडी देयर आर एग्जिस्टिंग रूट्स, सो वो आ जाएं 6 घंटे में अपनी सरहद में वापस जाए। हम भी टीटवाल से अगर जाएंगे 6 घंटे में वापस आए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आजकल उछाल रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी, वो ये है कि अगर मुझे आप 24 नवंबर 2019 था जी, करतारपुर खुला था, एक ही महीना हुआ था, मैं पहला कश्मीरी हूं जो इस वेशभूषा में वहां गया, और करतारपुर का मैंने दौरा किया, दिस इज द परमिट ड्यूली वेटेड एंड एवरीथिंग, तो इसमें अगर मुझे इंडिया और पाकिस्तान अलाउ करता है, व्हाई नॉट टू शारदा। अब वो दलील अगर मुझे देंगे, ये दलील ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी अरविंद जी समझना, अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दलील देगी 1994 का रेजोल्यूशन है पीओजे की इज अवर्स, करेक्ट, वो जी आप करतारपुर गए वो पाकिस्तान है जी, यहाँ पीओके जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। बट लेट मी एड टू देम, भैया क्या पीओके के लिए एलओसी परमिट के लिए आपने पाकिस्तान से बात नहीं करी? क्या मैं नहीं जाता हूं मेमोरेंडम देने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी पे एम्बेसडर से मिलने? तो वी हैव टू, बिकॉज अवर साइट्स लाई इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी और एडमिनिस्टर्ड, तो पाकिस्तान की है ना, अगर फ्री मूवमेंट होती पाकिस्तान का नहीं होता इंडिया को, तो फिर मैं कुछ और मचाता, व्हाई वाज दिस स्ट्रगल? सो वी हैव टू अप्रोच पाकिस्तान। तो अगर इंडिया ने एलओसी परमिट के लिए अप्रोच किया है पाकिस्तान को, उस टाइम 2007 से लागू है, प्रेजेंटली अभी मौजूदा बालाकोट ऑपरेशन का मनसोख है टेम्परली, पर 2019 35A 370A हटाने के बाद इसको मनसोख नहीं किया गया, इट स्टिल एग्जिस्ट, मैं फॉरेन मिनिस्टर भी मिला हूं 2 बार इस दौरान 2019 के बाद, बट क्वेश्चन इज व्हाई कांट देयर बी ए स्मॉल अमेंडमेंट, जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर है सलमान खुर्शीद कांग्रेसी, वो भी यही बता रहे, जो उससे पहले थे वो भी यही बता रहे, इट कैन बी डन एट डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, सो देयर शुड बी एन अमेंडमेंट, वी शुड बी अलाउड टू गो एंड प्रे एट शारदा, दे पीपल शुड बी अलाउड टू कम टू श्रीनगर एंड प्रे एट हजरतबल, दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल। जी हाँ, बहुत खूब।
आपने बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ कर दी हैं। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन हुआ टिटवाल में, उसे लेकर आपने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की, कैसा रिस्पांस मिला आपको भारत की जो सिविल सोसाइटी है उससे? देखिए, हमारा प्राइमरी मकसद था जी यात्रा का, ये नहीं था कि हमने कोई जय श्री राम जैसे नारे लगाने या जिंगोइज्म करना है, ये नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। वी ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट टू गो इन टू कश्मीरी समाज, जो हमारा कश्मीरी पंडित समाज बिखरा पड़ा है पूरे विश्व में। हमारे हर जगह कश्मीरी भवन बने हैं पंडितों के, इस समुदाय के भवन हमने शुरू करा श्रृंगेरी से, हम आए बेंगलोर के कश्मीर भवन में, 3 दिन रहे, वहां से गए मुंबई, मुंबई से पूना, पूना से अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली NCR, 3 जगह, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड नोएडा, एंड देन वी ट्रेवल टू चंडीगढ़, वी ट्रेवल टू लुधियाना में बड़ा ह्यूज रिसेप्शन सिख्स एंड हिंदू ने कंबाइंड किया, देन वी ट्रेवल टू। मकसद ये था कि जो हमारे बुजुर्ग या छोटे बच्चे जो टिटवाल नहीं आ सकते, बहुत थोड़ा टफ टेरेन है अभी, वी हैव टू वर्क आउट फॉर इजी जर्नीज, तो उनको तो दर्शन कराए, उनमें तो उजागर करें, भैया माता 700 साल के बाद वापस जा रही, 14th century में दिस स्टैचू ऑफ सैंडलवुड हैज बीन कैरीड बाय द देन शंकराचार्य टू श्रृंगेरी। नाउ इन 21st century, आफ्टर सो मेनी हंड्रेड ऑफ इयर्स, दिस डाइटी गोज बैक टू द ओरिजिनल प्लेस, दैट इज कश्मीर। तो ये वी शुड से इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये मुस्लिम समुदाय को समझना पड़ेगा जी, ज्यादा वो कोई ज्यादा पुराने नहीं, वो भी हमारे भाई हैं जी, खून एक ही, उनको भी समझना पड़ेगा। उनके दादा के टाइम पे जो शारदा माई को अभी भी रेवर करते हैं, दे हैव वेरी हाई रेवरेंस, पर्टिकुलरली नीलम डिस्ट्रिक्ट, आई एम सीइंग इट, वॉचिंग इट, आई गो लाइव ऑल्सो टू शारदा पीठ, थैंक्स टू माई सिविल सोसाइटी मेंबर्स अक्रॉस। तो ये समझना है, ये यात्रा का मकसद था अवेयरनेस एंड कश्मीरी समाज में इसको फिर से उजागर करना, एंड ऑफ कोर्स वेयर एवर वी गॉट जनरल सनातनीज आल्सो वी वेलकम देम, ज्यादा तो वही आए, कश्मीरी समुदाय कम आया अनफॉर्चुनेटली, ज्यादा तो हिंदूज आ गए फ्रॉम अदर देन आर कम्युनिटी। तो इट वॉज अ वेलकम साइन, दे हैव अंडरस्टूड द होल गैम्बिट कि नमस्ते शारदे देवी कश्मीर प्रवासिनी, तो आम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम की देवी। तो ये अगर हम ये श्लोक बोलते रहते हैं कश्मीर प्रवासी है, तो शारदा माता शुड गो बैक टू कश्मीर, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड, एंड वी शुड वेलकम इट। और हमारा सबसे ज्यादा स्वागत जो है, मजेदार बात ये बताऊं, जब हमने यात्रा को आगे हमने इधर से करा कुपवाड़े में, 10-15 दिन हमको रुकना पड़ा वो चैरियट व्हीकल लेके, फिर कुपवाड़ा से जब जबरदस्त रिसेप्शन कुपवाड़ा में भी हुआ, अब कुपवाड़ा में भी लोकल्स आए ऑब्वियसली, जब कश्मीर में हम पहुंच गए, जम्मू तक तो ठीक है, सबको लगता है आया ठीक है, कश्मीर में कैसा, वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड व्हाट हैपेंड कि टंगडार से लोग आ गए जी माता को कैरी करने के लिए कि उस जुलूस में जाएं, और टंगडार में फाइनल लेग ऑफ द यात्रा, एंड वी प्रेजेंटेड द चाबी टू देम, उन्होंने माता की गाड़ी चलाई थी रिटायर्ड कैप्टन इलियास ने। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी जो है अभी मंदिर की, उसमें 3 मुसलमान है, एजाज खान, ख्वाजा इफ्तिकार एंड रिटायर्ड कैप्टन इलियास, एक सिख है जोगिंदर सिंह, 5 हम हिंदू हैं। तो दिस इज अ यूनिक ऑल फेथ कमेटी जिन्होंने ढोल बाजे के साथ में माता को वेलकम किया मूर्ति को, और द्रिंगले में पटाखे भी बज गए जी, फायर क्रैकर्स। मैं थोड़ा सा पहले डर ही गया जब एक दो फायर क्रैकर चल पड़े, मैं कहा भैया कुछ कांड होने लग गया। अब फाइनल में द्रिंगले में पहुंच के, द्रिंगले से 1 किलोमीटर राम मंदिर तक, मैं कहा यार फंस गए लास्ट पे, अब तो ये क्या हो गया, 4000 किलोमीटर बढ़िया चले थे गाड़ी चलाते चलाते, बट दीज आर फायर क्रैकर्स एंड आई वेलकम दैट सरपंच उपदर्शित होकर, उनके द्वारा मैंने मंदिर का द्वार खुलवाया। वी हैव ओपनड द गेट थ्रू द सरपंच, इलेक्टेड सरपंच ऑफ द रशीद खोखर एंड मी, यू कैन वॉच इन द वीडियो, एक लोकल मुसलमान वहां का मंदिर का द्वार खोल रहा है, और ठीक है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ऑनरेबल HM के साथ था, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमने मंदिर में 4 द्वार रखे रिप्रेजेंटिंग 4 आदि शंकराचार्य मठ,
We have to make this thing clear also. There are only four Shankaracharyas. Only four mutts designated by Adi Shankaracharya on four Vedas and four Guru Vakyas. And we are more connected to Shringeri because Shringeri mein hamari sandalwood ki murti bhi hai. Shringeri mein hamara dakshin ka jo mutt hai. वहां के जो डिसाइपल पहले थे आदि शंकराचार्य जी के सूर्येश्वराचार्य पंडिता, तो वो उनका कश्मीरी बैकग्राउंड है. थर्ड दैट द लेटर्स रिटन बाय महाराजास एंड आवर रूलर्स टू श्रृंगेरी शो दैट इसमें श्रृंगेरी का हमारे से कनेक्ट है. उन्होंने भी हमें इस टेंपल में मदद करी है. ग्रेनाइट पत्थर हमारा जो है इसका ड्यूली कार्व एक भव्य मंदिर बना आफ्टर मेनी मेनी सेंचुरीज इन कश्मीर. तो ये पत्थर आ गया मगड़ी बैंगलोर से और इसका जो है मूर्ति जो है वो दैट्स आल्सो गिफ्टेड और डोनेटेड बाय द प्रेजेंट शंकराचार्य ऑफ श्रृंगेरी मठ. और उद्घाटन के दिन चार में से तीन द्वार हमने खोले, चौथे पूरी वाले वहां एब्सेंट थे, तो तीन द्वार खुले. जैसे ओरिजिनल शारदा पीठ है, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कॉपी द रेप्लिका ऑफ दैट. एंड लास्ट टू से दैट ये जो अभी असेंबली का वहां पे पीओके असेंबली में हुआ और ये सब हुआ, ये उस चीज का नतीजा है जो हमारी जदोजहद. अब कुछ लोग इसको मिसरीड कर रहे हैं, जावेद भट्ट का लेटर है जी उसमें कुछ और था. मैं अभी रिसेंट आ गया कुछ हमारे एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट्स का बयान सुन रहा था. ये जी 15/12/2022 की लेटर वो रेफर कर, दिस इज नॉट द करारदाद विच यू आर टॉकिंग. हमारी करारदाद अभी 29 मार्च को पास हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में पीछे बैकग्राउंड देखना है कि वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीओके ऑर्डर ऑल्सो इन अवर फेवर. 3 जनवरी 2018 का है, उधर के डीजी आर्कियोलॉजी का ऑर्डर है सैंक्टिटी ऑफ शारदा पीठ शुड बी मेंटेन. 31/12/2018 का ऑर्डर, 37 माइनॉरिटी श्राइन्स हमने 27/6/2019 को आर्कियोलॉजी के प्रयोग में वहां पे रखवाई थी बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 से. उसके बाद थोड़ा ठंडे बस्ते में गए. तो ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस है फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स विद पीओके गवर्नमेंट ऑल्सो. वी हैव रिटन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्सो. We have written to UN also. तो UN तो पता ही आपको ये कश्मीर का बदकिस्मत मामला है. मैं कल एक लास्ट आखिरी कुछ मिनट ले लेता हूँ आपके. मैं कल एक महफिल में बैठा था इफ्तार पार्टी में. इट इज सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस एक हमारा यहाँ ग्रुप है जो इंडो पाक रिलेशन पे डील करता है. बड़े अच्छी शख्स है, मनी शंकर एयर वॉज दियर एंड कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे मुजफ्फर शाह लोकल लीडर, बड़े अच्छी पर्सन. उसमें जॉन दयाल भी थे. तो जॉन दयाल जी को भी मैंने मजाक में बोला, मैं कहा दयाल साहब आपकी तो यूएस ने और फिर बाद में आपने यूएसए को लिखा, यूएन को लिखा, आपकी चिट्ठी का बड़ा जबरदस्त असर हुआ जी आज 12 साल पहले वाली चिट्ठी का. तो ये तो बड़ा धमाका हो गया जी. 5 पेज का लेटर यूएन से यूएसए से आता है इंडिया को, व्हाई चर्चेस आर बीइंग बर्नड, व्हाई माइनॉरिटीज आर बीइंग यू नो दिस थिंग एंड दैट. मैं कहा मैंने भी 2 बार यूएन को लिखा जी ऐसे कश्मीरी भाई, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप इसको खोलिए दोनों साइड से, जरा राहदारी को आप इंटरवीन करिए आपके रेजोल्यूशन. कोई 1 लाइन का भी एक्नॉलेजमेंट नहीं. तो ये हमारे साथ बदकिस्मती है. और हमारी कश्मीरियों के लिए लास्ट में ये बताऊंगा एडवाइस कि भैया जी अगर इंडियन होम मिनिस्टर ने कोई भी हिंट या बात करी है, आप अपने अपने ये यूएन रेजोल्यूशन बाकी रेजोल्यूशन सब थोड़ी देर के लिए ताक पे रखें. समवेयर वी शुड ब्रेक द आइस, कहीं से तो शुरुआत होए. अगर हम इसको भी अब ठुकराएंगे तो फिर तो माशाल्लाह फिर वही हो रहा है जो 75 साल और आप लगाए यूएन रेजोल्यूशन दे रहे, तब तक हो सकता है यूएन भी ना रहे अगले 75 ईयर्स में. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों तरफ से वी शुड बी वन ऑन दिस इशू. रादर उन लोगों को LOC के पार मुजफ्फराबाद से ये आवाज आनी चाहिए कि हमारा हजरत बल भी खोलो जी, वहां हमें जाने दो. हमारी आवाज होनी चाहिए हमें शारदा पीठ जाने दो. तो सो दैट वी बिल्ड अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट्स एंड इट शुड स्टार्ट. थैंक यू जी. बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों तरफ से आवाजें उठेंगी तभी कुछ आगे बात बनेगी. आपने सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की बात की, शायद ये ओपी शाह साहब का जो फोरम है. ओपी शाह साहब कल हम शाम को बैठे थे इफ्तार पार्टी में. वी यूजुअली डू होल्ड सम सेमिनार्स रोड अहेड, ऐसे कई सारी तंजीमें यहाँ. वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद यू नो फॉर्मर डिप्लोमेट. मैं तो पिछले साल जो 2 बार पाकिस्तान एम्बेसडर से मिला हूँ जहाँ चार्ज डी एफ आफ्ताब खान से, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली है, 1.5-2 घंटा. ठीक है, एजेंसी अपना काम करे, फिर मेरी भी थोड़ी तफ्तीश होगी जी मेरे
इंटेलिजेंस वाले आगे पूछताछ करें वो ठीक है, बट अवर स्ट्रगल शुड बी ट्रांसपेरेंट। इसमें कोई खुफियागिरी नहीं है। वी आर नीदर अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर नीदर अगेंस्ट इंडिया, वी शुड स्पीक फॉर अवर राइट्स एंड विद बोथ द कंट्रीज एट एवरी फॉर्म। हमें क्यों एंटी जाना है, एंटी गवर्नमेंट, व्हाट फॉर, लेट्स नॉट लुक एट, वी शुड गो इन ए प्रॉपर फैशन व्हाट एवर इज पॉसिबल। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया से आवाज आएगी कल जी शारदा पीठ जाना है 2000 लोग जत्था लेके, हाउ इज इट पॉसिबल, वो ला लो। अगर हम ये करें, LOC परमिट है जना, बस चल रही है ना, उसी बस में मैं बैठूंगा 2 यात्री और लेके, शाम को वापस आऊंगा। ऐसे तो करतारपुर में भी आप कर रहे और यहाँ 6 घंटे में ट्रेवल है जी टोटल, तो उसमें क्या तकलीफ है इंडियन गवर्नमेंट को, क्या तकलीफ है पाकिस्तान गवर्नमेंट, आई डोंट सी एनी तकलीफ। थोड़ी सिक्योरिटी हमारे साथ एस्कॉर्ट रखना पड़ेगा, मुझे तो इतना ही दिख रहा है। और लोग जब वहां से वेलकम कर रहे हैं, मैं जब क्रॉस करूंगा LOC तो मेरे को अपनी सिविल सोसाइटी आएगी ना लेने के लिए शारदा पीठ, मुझे क्या करना है पुलिस वालों को, पाक आर्मी को। इस तरह से जब वो लोग आएंगे हजरत बल के लिए, हम करेंगे ना जी उनको एकंपनी, वी विल स्टैंड गारंटी फॉर दोस 5 पिलग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस LOC, आई विल स्टैंड गारंटी एंड आई विल टेक देम टू हजरत बल एंड गेट देम बैक अक्रॉस द सेम डे। तो सिविल सोसाइटी जब कोई अच्छी बात करे विच विल हेल्प गवर्नमेंट रादर एम्बेरेसिंग। अब आप एम्बेरेसमेंट करोगे जी, AJK असेंबली ने जी पास किया, वो बातचीत कुछ और कह रहा है। अरे भैया बातचीत ने मेरे को 3 बार कहा है, बड़ी महफिलों में भी, कॉन्क्लेव्स में 5000 लोगों के सामने 2-2 बार इंशाल्लाह करा। अब झूठ बोल रहा है जी, मुकर रहा है, मुझे गंदी जबान यूज करनी पड़ी। अब जब अमित शाह ने ये बात छेड़ी तो बातचीत शुड इधर रिमेन साइलेंट और शुड नॉट टॉक दिस स्टुपिडिटी, पहले जी वहां वो करो, पहले जी वो बस सर्विस। अरे बस सर्विस तो तभी रिज्यूम होएगी अगर रिलीजियस टूरिज्म भी शुरू हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे जनाब जो बस सर्विस और ट्रेड एंड ट्रेवल था वो भी, मुझे लगता है वो पहले रिज्यूम होएगा तभी कॉरिडोर खुलेगा। बिकॉज की टू दी रिलीजियस टूरिज्म इज अवर LOC परमिट ट्रेड एंड ट्रेवल। जब वो बहाल होएगा तो उसी बस में हम भी जाएंगे ना जी, हम कोई एरोप्लेन लेके थोड़ी चिल्लाना जाएंगे, हमने भी बस से ही जाना है, पैदल जाना है, तो वो रिज्यूम होएगा। अब बातचीत साहब यूं मुकर जाएंगे ये तो कश्मीरी बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं है क्या क्या रेजोल्यूशन है क्या। अरे बाबा क्या रेजोल्यूशन है, तुमने 75 साल में क्या किया रेजोल्यूशन को लेके, वो ताक पे रह गए जी UN रेजोल्यूशन, UN है कहाँ आज की डेट। बट अगर आपको इधर से हिंट मिल रहा है, वी शुड वेलकम दिस, इट डज नॉट हर्ट। जो आपके रेजोल्यूशन की बात करनी है, कश्मीर इशू है जी, ये है जी, फलानी है जी, लेट दैट कंटिन्यू। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इससे वो ओवरकम नहीं हो जाते, इरेज नहीं होते। मैं बासित साहब को ये विशेष तौर पे बताऊंगा, वी आर नॉट इरेजिंग अवर डिमांड्स और यू आर डिमांड्स वट एवर आर दियर, बट पर्टिकुलरली दिस डिमांड ऑफ ट्रेवल ऑन करतारपुर लाइन्स, वी शुड ओपन दिस थिंग, वी शुड वेलकम होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड वी शुड वेलकम दोज AJK पीपल, माई सिविल सोसाइटी, इट्स अ विन ऑफ विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, सिविल सोसाइटीज की जीत है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं चाहे कॉरिडोर खुले ना खुले, और जो असेंबली में पारित हुआ है रेजोल्यूशन, इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर द सिविल सोसाइटी ऑन बोथ साइड्स। थैंक यू सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आज आपने ज्वाइन किया, आपकी जो ये नेक मुहिम है, उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, दोनों तरफ की सिविल सोसाइटीज में एक मैसेज जाए अमन का, पीस बिल्डिंग का, हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करें यहाँ पे। आगे भी आपसे इस मौजू पर बात होती रहेगी, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, आदाब।